कल मीटिंग होनी है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करना है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की, और ये टैक्टिकल और सारा कुछ इसमें आ जाएगा हमारा। अब इसका जो इलामिया आएगा बड़ा, उसके अल्फाज मानी खेज होंगे, तो हम उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखे जहाँ तक न्यूक्लियर यूज का यूज ताल्लुक है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना, वो जब क्रॉस होगा तो हमें न्यूक्लियर यूज करना है, दैट इज आवर स्ट्रेटजी। और दैट इज व्हाट वो इंडियन भी ये समझते हैं कि हमें न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ना क्रॉस करने दो ताकि हम वो न्यूक्लियर अपने डिवाइस इस्तेमाल ना करें। तो ये है, अब इसको दुनिया भी नहीं करने देगी। देखे ये जो 2002 में एक दफ़ा जो कन्फ्रंटेशन हुई थी उनके पार्लियामेंट के अटैक के बाद, उन्होंने वो फौजें ले आए, हम भी फौजें ले गए। अब उसमें वो एक दफ़ा मुझे पता हुआ था इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कि वो अटैक करने वाले हैं रात को। सो नाउ दैट इज द डेंजर कि वो अटैक अगर करने वाले हैं क्या करेंगे, तो उसका जाहिर है उसकी रिस्पॉन्स। मैंने तो ये दी थी, मैंने आर्मी नेवी एयरफोर्स कमांडर्स को आर्मी हाउस बुलाया था और वहाँ एयरफोर्स एयर चीफ को कहा पूरे एयरफील्ड्स में बता दो दैट वी विल काउंटर अटैक इमीडिएटली और दूसरा काउंटर अटैक हम सुबह सवेरे दूसरा करेंगे। तो ये होता है इंटेंट टू रिस्पॉन्ड, वो हमने किया था। तो उससे वो उतना काफ़ी था कि वो उसी से वो भागते हैं और रुक गए और वो अपनी फोर्सेस को वापस ले गए। नाउ आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत पेचीदा सवाल है कि न्यूक्लियर यूज पे हम कब आ जाए। नाउ दिस इज नॉट एन ईजी आंसर, ये आसान जवाब इसका नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे कॉलिन पावल हर दूसरे दिन टेलीफोन करता था टू फाइंड आउट कि भाई आप कंट्रोल में है ना, आज नाराज तो नहीं है, आप ठीक ठाक हैं। मैं हमेशा उन्हें कहता था बिल्कुल ठीक है, आप दूसरी साइड पे भी यही कहें पहले तो। तो वो मतलब वो अमेरिका तक बहुत वरीड था कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है उसको ना क्रॉस कर जाए कोई। तो उसमें एक चीज कहते हैं नीजर्क रिएक्शन। नीजर्क रिएक्शन ये है कि अगर उन्होंने दो जहाज लेकर आए और उन्होंने जिस कैप को वो कहते हैं मारा, अब जो छः और भेजते हैं और फलानी जगह हमारे टारगेट को मार के हमें नुकसान करा देते हैं, तो उस पे क्या हम ये ना हो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार दें। तो इस ये एक नीजर्क रिएक्शन भी हो सकता है कि हम वो न्यूक्लियर डिवाइस अपनी यूज़ कर जाएं ऐसे इस खतरे से कि वो यूज़ करने वाले हैं। इसका खतरा जो है उसे अवॉइड करने के लिए वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करके अपना न्यूक्लियर डिवाइस यूज करे।